अब हर जुम्मे की नमाज पे मैं यहाँ पुरानी हवेली में बैठने का वो जो पुराना रिवाज है उसको मैं जारी रख रहा हूँ, और हर फ्राइडे मैं आता हूँ इधर। हमारे ऑफिसर्स भी मक्का मस्जिद और पुराने शहर के जितने भी एरियाज़ हैं यहाँ पे बंदोबस्त लगाना पड़ता है, लगा कर काफ़ी मेहनत करके यहाँ पे शांति और अमन कायम रख रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ पर निगाह लगाना, हर चीज़ का ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल काम है, पर रात दिन मेहनत करके हमारे DCP, ACPs और इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल सब लोग, पेट्रोल्स जो हैं, पेट्रोल में जो काम करते हैं सभी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और मैं पब्लिक का भी, ये जो आवाम यहाँ के पुराने शहर के हैं, उन सबको मैं अपील करता हूँ कि आप अच्छा साथ दे रहे हैं पुलिस का, और भी आगे आकर आप और अच्छा हमको इन्फॉर्मेशन देंगे या हमारा साथ देंगे, या ये क्राइम कंट्रोल करने में आप हमारी मदद करेंगे तो बहुत ही अच्छा, और हम काम कर सकते हैं। आजकल ये नशीली दवाइयों के बारे में काफ़ी सीरियस से हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफ एनफोर्समेंट करने के लिए एक नया विंग हमने शुरू किया, इसका नाम है नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग, जिसमें जो जो ये नशीली दवाइयाँ जो मुंबई, गोवा ऐसे वहाँ से ये हेरोइन और या कोकेन जैसे ड्रग्स हैं वो लेकर आते हैं एक तरफ, दूसरे तरफ ये वाइजैग या उड़ीसा से ये गांजा का जो तफसीन होता है तो वो यहाँ पर लेकर आके लोग बेचते हैं उसको, तो हम उस पर काफ़ी सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। काफ़ी गैंग्स हमको मिले हैं और काफ़ी अभी डर जो है पैदा हो चुका है, तो इसको हम जारी रखेंगे। दूसरी तरफ हम अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहे हैं, क्यों गली गली में जाकर, हर बस्ती में जाकर लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये इससे हमको नुकसान क्या क्या है, और माँ बाप इससे भी अपने बच्चों को समझाना चाहिए, और हमारा साथ इसमें ये कैंपेन में देने के लिए मैं सबको को गुजारिश करता हूँ। और आगे चलकर भी जो हम और कमिटीज़ बनाएंगे या ये राउडीज़ का एक्टिविटी जो है साउथ जोन में उनका हो, या सख्ती से जो जो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, हर चीज़ में मैं आवाम का साथ चाहता हूँ। तो इस अवसर पर सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए नहीं, ये अफवाहें जो है लोग फैलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो करमान घाट में जो हुआ वही रात हमारे टीम्स, हमारे लोकल ऑफिसर्स, टास्क फोर्स वाले सब जो भी इसमें थे उनको पकड़ पकड़ लिए थे, और वहाँ उस तरफ जो राचकोंडा कमिश्नरेट के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी कार्रवाई की थी, सबको अरेस्ट कर लिया था, और कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़े लोग इसमें जुटे रहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करें, अफवाहें फैलाएं, कुछ ना कुछ कार्रवाई करें जिससे जो अमन से जो रह रहे हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे बातों पे वो यकीन ना करें, कुछ भी हो पुलिस से मालूम करें क्या है हालत, क्योंकि हम आपकी हिफाजत के लिए हैं और हम ज़रूर आगे चल के भी इतना ही मेहनत करेंगे। और